मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस कमेटी से, आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं अमेठी से? धूप से डर लग रहा है या पानी से? वहां की जनता से भाग रहे हो या स्मृति ईरानी से? भागे भागे फिर रहे हैं क्या? बेसहारा हो गए हैं? भागे भागे फिर रहे हैं क्या? बेसहारा हो गए हैं? आ से अमेठी, वा से वायनाड, रा से रायबरेली, यानी आवारा हो गए हैं? कांग्रेस ने यह संदेश भी विकट दे दिया है, कैंडिडेट विदेश में बैठा है और उसे भारत में टिकट दे दिया है। जिसको टिकट दिया था उसको फोन किया, राजसमंद से टिकट दे दिया है तुम्हें सुदर्शन सिंह रावत। उधर से आवाज आई, किसी और को दे दो, हम नहीं आवत। रावत को आवत भाई, बाजी बहुत अच्छे। वाह वाह, कांग्रेस की टिकट का रेट नहीं है। सच बात तो यह है कि चुनाव में भेंट नहीं है। कोई पर्चा भरने नहीं गया, कोई पर्चा भरने नहीं गया, किसी ने पर्चा भर के वापस ले लिया। कोई चुनाव लड़ने चढ़ने के लिए माना नहीं। बेचारे कैंडिडेट क्या करें, अभी तो राहुल का ही कोई ठिकाना नहीं। बेचारे कैंडिडेट क्या करें। और मैं तो आपके नेता से एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना डॉली जी, प्लीज। हैं, एक ही नेता है उन पर, उसे ही कभी इधर से घुमा के लाते हैं, कभी पैदल चला के लाते हैं, कभी जहाज में बिठा के लाते हैं, आ ही नहीं पा रहा बेचारा। और मैं तो आपके नेता से कहना चाहता हूँ, किसी और को भी अपना भाग्य आजमाने दो, किसी और को भी अपना भाग्य आजमाने दो, किसी और को भी हाथ पैर मारने दो, सभी सीटों पे आप ही हारोगे, किसी और को भी हारने दो। बहुत बढ़िया। तो आपने आपने कैबिनेट ही तैयार कर लिया? देखिए, आज सच बात तो ये है कि जिस तरीके से भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे से डर रही है और बच रही है, कभी भैंस की बात करती है, कभी मंगलसूत्र की बात करती है, मुद्दे नहीं बचे क्या? आप संकल्प पत्र की बात करते हैं। इतना इतना ये लोग डर रहे हैं तो आप अमेठी लड़ क्यों नहीं लिए फिर? हमारे नेता तो पहले ही कहते हैं डरो मत। अब केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं अमेठी से, हम अमेठी भी जीतेंगे और रायबरेली भी जीतेंगे। डरे नहीं है वो, तो केएल शर्मा जी को लड़ा रहे हैं। क्या कहें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम हकीकत देखते हैं। और हकीकत ये है कि अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है 10 साल में, पहली बार भारत में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। और मैं कविता नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, धर्म बदला, जाति बदली, बदल दिया गोत्र, अमेठी से भाग खड़ा हुआ इंदिरा जी का पोत्र। इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, जब हो रहा है हर जगह विकास तो रोजगार क्यों नहीं है हमारे पास? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? अफवाहें अफवाहें अफवाहें। राहुल गांधी पूरे देश की जनता से कहते हैं डरो मत, और अब देश की जनता उनसे बोल रही है डरो मत, अफवाहें फैलाओ मत, सीट छोड़ के भागो मत।
जो खुद डरते हैं कांग्रेस से, सोनिया जी से, राहुल जी से, वो राहुल जी को कहते हैं डरो मत भागो मत। जो पीएम बनने के लिए गांधीनगर सर भागकर वाराणसी आए, वो अमेठी और रायबरेली पर जाने से तंज कसते हैं। आपको गांधीनगर से यूपी आने की जरूरत क्या पड़ी? काम और विकास, काम और विकास के तो ये मॉडल है कि ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई काम जो होता है पूरे देश के लिए होता है, और जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, इसका मतलब है कि हर एक जगह में, ग्रामीण क्षेत्र में हो, अर्बन सेक्टर्स में हो, युवा के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्ग के लिए हो, हमारे सेना के लिए हो, ये आप कैसे समझे? पेपर लीक नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का युवा बताए पेपर लीक नहीं हुआ, मेरे पीछे उत्तर प्रदेश के बच्चे बैठे हैं, पेपर लीक नहीं हुआ, भर्ती घोटाला नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है कि नहीं हुआ? कहाँ भर्ती घोटाला कहाँ हुआ?